नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट माइकल्स। तो ये इनका आइडिया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ का मतलब क्या होता है? आयरन लॉ इट सिंपली मीन्स पत्थर की लकीर। ये कह रहे हैं मैं पत्थर की लकीर है कि एक मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि ओलिगार्की होगी ही होगी। कहते जो मर्जी सिस्टम बना लो आप, चाहे राजे महाराजे हों दुनिया में, चाहे डेमोक्रेसी, ओलिगार्की रहेगी। अब ओलिगार्की का मतलब क्या है? ओलिगार्की का मतलब हुआ कि जैसे आपने, चलो मैं आपको बिल्कुल इसका पहले जेने से समझाता हूँ, थोड़ा सा इको के वर्ड्स भी समझ आ जाएंगे एक आधे। तो जैसे लेट्स से आपने ये वर्ड सुना हुआ है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब ही मोनो एंड पोली की एक ही इंसान है जो कि कुछ सामान क्या करता है, बेचता है, वन सेलर। ठीक है जी, जैसे मोनोपोली के एग्जाम्पल्स बताओ मेजरली। अभी आज के समाज में मोनोपोली दिखती नहीं हमें कहीं पर, लेकिन स्टिल दुनिया में हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मोनोपोली है। जैसे लेट्स से जो सर्च इंजन है, सर्च करना है आपको, आप कहीं और जाकर सर्च करते हो, गूगल पर सर्च करते हो, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं सर्च इंजन में गूगल की मोनोपोली है। इंडिया में देखें मेजरली जो हमारे लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स में एक ही हमारे पास चलता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है विंडोज़। ऑलमोस्ट विंडोज़ की मोनोपोली थी। विंडोज़ की ना बोलूँ अगर मैं, तो मैं क्या बोलूँ, जो जैसे जो आप ये कंप्यूटर यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर, वर्ड, पावर पॉइंट, तो जो एमएस वर्ड की मोनोपोली है वर्ड वाले जितने भी सिस्टम हैं ऐसे वाले, समझ सकते हो। तो लेकिन जैसे आप बहुत लोग एग्जाम्पल लेते हैं रेलवेज़ का, रेलवेज़ के पास भी मोनोपोली है रेलवे के ऑपरेशन में। भारत देश में कोई और रेल नहीं चला सकता एक्सेप्ट रेलवेज़, तो मोनोपोली है मोनो। ठीक है जी, अगर एक ही हमारे पास सेलर है, वन सेलर। लेकिन अगर मल्टीपल सेलर हो उसको क्या बोलते हैं, लेट्स से कि मल्टीपल का मतलब हुआ कि हमारे पास 8-10 हैं, कुछ हैं, ओलिगोपॉली कहा गया उसको, ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली अ फ्यू का मतलब है अ फ्यू। ठीक है जी, जैसे हमारे पास देश में लगा लो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपको गाड़ी खरीदने जानी है, तो गाड़ी खरीदने में आपके पास 7-8-10 ऑप्शन तो है ही है, तो मोनोपोली नहीं है वहाँ पे। हाँ कह सकते हो कि मारुति का दबदबा है, लेकिन मोनोपोली नहीं है जो आप वहाँ, ह्यूंडे भी चल रही है, फोर्ड भी चल रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, अ फ्यू। ठीक है जी, ओलिगो का मतलब क्या होता है? अ फ्यू। सिमिलरली आर्की, व्हाट इज आर्की? आर्की इज रूल। वो कह रहा है जो मर्जी, अब रॉबर्ट माइकल्स ही सेज कि जो मर्जी सिस्टम बना लो आप, डेमोक्रेसी वगैरह, सिर्फ रूल ऑफ अ फ्यू ही रहेगा हमेशा। वो कह रहा है इवन जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें कुछ लोग, चुनिंदा लोग ही होते हैं जो पूरी की पूरी पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पूरी पॉलिसी बनवा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। इसीलिए वो कह रहा है, कहने को लगता है डेमोक्रेसी में सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं एंड ऑल एंड ऑल। कहते नहीं, आयरन लॉ बोल रहा हूं मैं तो आपको, कहते मैंने सारी दुनिया के सिस्टम देख लिए, मैंने तो कम्युनिस्ट रशिया भी देख लिया, सब जगह देख लिया, ओलिगार्की ही रहती है। ठीक है जी, ओके। देन आगे ओलिगार्की इनएविटेबल विद इन डेमोक्रेसी, कहते डेमोक्रेसी में भी कुछ ग्रुप बन जाएगा ऊपर एंड वही रूल करेगा, एज इट इज पार्ट ऑफ टेक्निकल एंड टैक्टिकल नेसेसिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी में काम करने के लिए आपको टेक्निकल लोग तो चाहिए एंड टैक्टिक्स भी चाहिए, ताकि सर्वाइव कर सको, बाकियों से आगे बेटर बातें कर सको, ज़्यादा सर्विस डिलीवरी कर सको, बहुत कुछ। तो वो कह रहे हैं टेक्निकल नेसेसिटी है कि कुछ लोग ही हैं हमेशा रूल करते हुए पाए जाएंगे। आगे वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात बताएगा, बहुत ही क्विक थ्योरी है ये। वो कह रहे हैं लीडरशिप क्लास कम्स टू डोमिनेट पावर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जो भी लीडरशिप पोजीशन में होंगे वही पावर स्ट्रक्चर को डोमिनेट करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी रोक देंगे वो, कि इन्फॉर्मेशन क्या देनी है लोगों को क्या नहीं, वो उनके थ्रू ही पता लगेगा हमें, जो ओलिगार्की में बैठे हैं। एंड देन वो पावर को सेंट्रलाइज कर लेंगे एंड अकाउंटेबिलिटी थोड़ी मिनिमम हो जाएगी। तो आजकल देखो वैसे अकाउंटेबिलिटी की बात करें डेमोक्रेटिक सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी तो थोड़ी सी तो है, कम से कम वही, अगेन मैं आपको वर्ड वापस याद दिला रहा हूँ, कौन सा? एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी। एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी कहां पढ़ा था हमने? इकोनॉमिक सर्वे में मैंने बताया था आपको, यूज हुआ था कि कम से कम अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में 5 साल में एक बार तो आता है मौका, जहां पे हम नेताओं को बता देते हैं कि आपने अच्छे काम किए कि नहीं, कि अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं उन्हें, तो उसको कहा जाता है एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी अभी। लेकिन जो माइकल्स है वो तो बिल्कुल ही बोल रहा है कि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, लेकिन हाँ चलो थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी तो होती है, ये हम इसका क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। एंड देन एनी डेमोक्रेटिक अटेम्प्ट फेल्स बिकॉज लीडरशिप क्लास रिवॉर्ड्स लॉयल्टी। ठीक है जी, तो अगर आप कहें डेमोक्रेसी कैसे आ रहेगी, डेमोक्रेसी तो क्या कह रहे हैं कि हमें सबके विचार लेके चलने हैं, तो लेकिन वो कह रहे हैं सबके विचार तो लेके चलते ही नहीं हम, जो लेट्स से पार्टी जीत गई तो अपने पार्टी, कभी देखा किसी को लेट्स से कि मान लो एक पार्टी जीत गई उसने मिनिस्टर बना दिया दूसरी पार्टी के बंदे को, ऐसा नहीं होता। तो लॉयल्टी को तो रिवॉर्ड करती है, कहते डेमोक्रेसी किस बात की, क्या सिर्फ आपकी पार्टी में ही मेरिटोरियस बंदे हैं, सामने की पार्टी में नहीं है? तो वो कह रहा है कि देखो सिस्टम ही ऐसे बने हैं कि हम ऑटोमेटिकली ओलिगार्की ले ही आएंगे, हम डेमोक्रेसी में भी हम नहीं रिवॉर्ड करते
मेरिट आगे. एंड देन एलीट्स हैव थ्री प्रिंसिपल्स विच हेल्प इन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. वो कह रहे एलीट तो ब्यूरोक्रेसी बना ही देंगे, एलीट के आते ही ब्यूरोक्रेसी बन जाएगी. कैसे बन जाएगी, बहुत सिंपल सी बातें बोल रहे हैं वो. नीड एंड स्पेशलाइजेशन, कहते हैं एलीट को काम करने के लिए चाहिए जो स्पेशलाइज लोग चाहिए और उनकी नीड है, ठीक है जी. एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, चलो इतना इसमें डिटेल में ड्वेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने रॉबर्ट माइकल्स कोट करना है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्विकली कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की इंपॉर्टेंस भी है कि कैसे लोगों को डोमिनेट करना है. हमने जैसे हमने याद है स्टीवन ल्यूक्स का, हमने स्टीवन ल्यूक्स की थर्ड पावर पढ़ी थी. थर्ड पावर क्या थी, आइडियाज डिजायर्स को कैसे डोमिनेट किया जाए उसके बारे में बात हो रही है. एंड देन फैसिलिटीज बाय ओल्ड एलीट्स, वो कह रहे हैं कि ओल्ड एलीट अगर वो पावर से बाहर हो गए हैं अभी या फिर इतने एक्टिव नहीं है तो उनको भी तो चाहिए पूरा का पूरा पावर का भी मज़ा. तो फैसिलिटीज़ कैसे इन्जॉय करेंगे वो अगर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होगा, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होगा एक एक बॉस नीचे जूनियर, तो कहते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो ओल्ड एलीट्स हैं इनका काम चलता रहता है, काम बन जाता है. इसीलिए वो क्या बोलता है कि एलीट्स तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना ही देते हैं, ठीक है जी. ये रॉबर्ट माइकल्स किस तरह समझता है वो वाली बात की हमने. तो क्विक अगर रिविजन करें, रॉबर्ट माइकल्स का आइडिया आपने जो पेपर में कोट करना है वो कह रहा है कि एलीट रूल तो हो ही जाएगा. डेमोक्रेसीज में भी उसने क्या बोला कि आयरन लॉ है, आयरन लॉ ऑफ वॉट, ओलिगार्की, कि थोड़े से लोग ही हमेशा राज करते हैं, ठीक है जी. ओके, तो आपने ये कोट कर रहे हैं अपने आंसर्स में, क्योंकि आपको एज सच अलग से कभी नहीं पूछा जाएगा आयरन लॉ के बारे में, लेकिन येस बट यू कैन ऑलवेज कोट इट. हमने थोड़ा सा डिटेल में भी देख लिया इसको. चलो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. सी डब्ल्यू मिल्स की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है. ओके, थैंक यू.